नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस विस्मयादिशन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसमें आज पार्ट 47 है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 47। तो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का उपयोग की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग की गई थी? पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। स्टील या आयरन के वस्तु के ऊपर जिंक की परत क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा की अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? संचार में किया जाता है। 1 जूल 10^7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल कितना अर्घ के बराबर होता है? 10^7 अर्घ के बराबर होता है। खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। खून में कौन से अवयव नहीं होता है? प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में वायु का आवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। वायुमंडल में तारे क्यों झिलमिलाते हैं? वायु का आवर्तनांक बदलने के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। किस क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ती है? कैपिलरी क्रिया के कारण। इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किसको सौंपी गई थी? ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी को हुआ था। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट है। पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? दोमट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्रपाली आम की एक बोनी प्रजाति है। अम्रपाली क्या है? आम की एक बोनी प्रजाति है। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से है। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिक मुद्रा अर्जित करता है। भारत किसके निर्यात से अधिक मुद्रा अर्जित करता है? रत्न एवं आभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जींस के लिए अधिप्राप्त मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कृषि जींस के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? इक्विटी शेयर धारक होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 86.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। पृथ्वी पर ऋतु होने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी का 86.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी का ऋतु होने का कारण है। विश्व में श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है। विश्व में श्वसन अंग क्या कहलाता है? बुक लंग्स कहलाता है। एलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। एलो केक क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली कहाँ स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 ईस्वी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरावन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में पूर्वी तट में नदिया बंदरगाह कोलकाता है। भारत में पूर्वी तट में नदिया बंदरगाह कौन है? कोलकाता है। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना महीना का अंतर होता है? 6 महीने का अंतर होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है?
राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। कपास के लिए काली मिट्टी रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुसेना तेजस है। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुसेना वायुयान कौन है? तेजस है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। खारा पानी विद्युत का चालक होता है या सुचालक होता है? तो सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को किसके बर्तन में भंडारित किया जा सकता है? चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन किस में उत्पन्न होती है? छोटी आंत में उत्पन्न होती है। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। मलेरिया नामक बीमारी किसको प्रभावित करती है? तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। पालक की पत्तियां में क्या समृद्ध होती है? विटामिन ए समृद्ध मात्रा में होती है। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है। ग्रैंड एंटीकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। जापान में कब प्रथम परमाणु बम गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। मुंबई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। मुंबई को कब मुंबई नाम दिया गया? 1995 में मुंबई नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्यान्ह रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्यान्ह रेखा कहलाती है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका क्या कहलाता है? श्वेत महाद्वीप कहलाता है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर एक जैन मंदिर है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर एक किस धर्म से संबंधित है? जैन मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? 5 अस्थायी सदस्य है। चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर था। चौथ एक मराठों द्वारा वसूला जाने वाला क्या था? कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली लाहौर बस सेवा को सादा सरहद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को क्या किस नाम से जाना जाता है? सादा सरहद के नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। मुद्रा नीति किस बैंक के द्वारा नियमित होती है? रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकेले ने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकेले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। दूध का रंग सफेद केसिंग के कारण होता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिंग के कारण होता है। इस पार्ट में है खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदान। स्टेडियम मैदान स्थान। जिमखाना स्टेडियम मुंबई में है। जिमखाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में है। ब्लैकहिथ वेम्बले स्टेडियम लंदन में है। ब्लैकहिथ वेम्बले स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन में है। नेक्स्ट है, लॉर्ड्स ब्रुकलैंड इप्स इंग्लैंड में है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्स स्टेडियम लंदन में है। गदापी स्टेडियम लाहौर में है। गदापी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर में।
ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सवर्ग में है। न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सवर्ग में है। हेनिंग्ले लॉर्ड्स में है। हेनिंग्ले लॉर्ड्स। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में है। रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में है। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से शुरू है और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? 1969 ईस्वी से शुरुआत हुआ और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुआ और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरू हुआ, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरू हुआ, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसेस पुरस्कार 1998 में शुरू हुआ, सरकारी या जनसेवा के लिए दिया जाता है। मैग्सेसेस पुरस्कार 1998 में शुरू हुआ, सरकारी या जनसेवा के लिए शुरू दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में शुरू हुआ, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में शुरू हुआ और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड पुरस्कार 1951 से शुरू हुआ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के दिया जाता है। मिस वर्ल्ड 1951 में शुरू हुआ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुआ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुआ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ, खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 ईस्वी में शुरू हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी से दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी से दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत के प्रमुख त्यौहार। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। छठ बिहार में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। छठ कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट है प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। नीली क्रांति मत्स्य से। नीली क्रांति मत्स्य से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। गोल क्रांति आलू से। गोल क्रांति आलू से। श्वेत क्रांति दुग्ध से। श्वेत क्रांति दुग्ध से। भूरी क्रांति उर्वरक से। भूरी क्रांति उर्वरक से। लाल क्रांति मांस से। लाल क्रांति मांस से। गुलाबी क्रांति झींगा से। गुलाबी क्रांति झींगा से। सुनहरी क्रांति फल से। सुनहरी क्रांति फल से। नेक्स्ट है चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान कौन कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कौन कौन से है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ये आग्नेय चट्टान है। कैंथरी चट्टान कौन कौन से है? नीस, जिसे ग्रेनाइट से बनता है। संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। क्वार्जाइट सिलिका से बनता है। ग्रेफाइट कोयला से बनता है। कैंथरी चट्टान कौन कौन सी है? नीस है जो कि ग्रेनाइट से बनता है। संगमरमर जो कि चूना पत्थर से बनता है। क्वार्जाइट जो कि सिलिका से बनता है। ग्रेफाइट जो कि कोयला से बनता है। अपसादी चट्टान कौन कौन सी है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला। अपसादी चट्टान कौन कौन सा है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये अपसादी चट्टान है।